गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में ये हेयर मास्क लगाना, हेयर पैक्स लगाना थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इतनी ठंड लगती है और स्पेशली बालों में, सर पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी हेयर ग्रोथ रेमेडी जिसको आपको अपने बालों में शैम्पू करने के बाद एज अ हेयर रिंस यूज़ करना है। इसके बाद आपको प्लेन वाटर से रिंस ऑफ नहीं करना है, इसको वॉश ऑफ नहीं करना है, बस लगा कर रखना है अपने नेक्स्ट शैम्पू तक। ये आपका कैसा भी हेयर फॉल 15 डेज में स्टॉप कर देगा। आपके सर में अगर डैंड्रफ है, इचिंग है, उसको भी ठीक कर देगा और आप एक बार यूज़ कर देखिएगा, आपके बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम और इंस्टेंट शाइन लेकर आएगा। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो झड़े हुए बालों को वापस लाने के लिए, अगर स्कैल्प पर पैचेस हो गए हैं, कहीं से हमारा स्किन दिखने लगा है, स्कैल्प नज़र आने लगा है, पैचेस बन गए हैं, तो वहाँ पर वापस हेयर ग्रोथ लाने के लिए बहुत 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 इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है। मोस्टली ऑयल्स में और हेयर मास्क में ये यूज़ होता ही है। और जब आप इसको एज अ हेयर रिंस यूज़ करेंगे, इसको अपने बालों में लगा कर रखेंगे 2 से 3 दिन के लिए, अपने नेक्स्ट शैम्पू डे तक अपने स्कैल्प पर लगा कर रखेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही मैजिकल हैं। आप खुद देखोगे कि शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर करने के बजाय जब आप इससे हेयर रिंस करोगे तो आपके बालों में इंस्टेंट शाइन आएगा, इंस्टेंट वॉल्यूम आएगा और बाल बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें लेने हैं कलौंजी सीड्स। 1 स्पून कलौंजी सीड्स आपको ऑलमोस्ट 1.5 गिलास पानी यानी कि 500 ml पानी में रात भर भिगो कर रखने हैं। मैं इतना पानी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें इस पानी से अपने बालों को रिंस करना है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी तो होनी ही चाहिए ना पानी की। तो इसको रात भर भिगो कर रखना है और रात भर भिगोने के बाद नेक्स्ट डे हमें इसे गैस पर लो फ्लेम पर 10 टू 15 मिनट्स के लिए पकाना है, बॉयल करना है हमें इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए। 10 टू 15 मिनट्स में मेथी सीड्स का सारा एसेंस इस पानी के अंदर आ जाएगा और बस 10 टू 15 मिनट्स के बाद हमें गैस ऑफ करके इस पानी को ठंडा करके दूसरे बोल में स्ट्रेन कर लेना है। अब हमें इसमें ऐड करना है 1/2 लेमन जूस। बस इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और शैम्पू करने के बाद हमें कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। इस पानी से अपने बालों को, अपने स्कैल्प को 5 to 7 मिनट्स के लिए अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद प्लेन वाटर से रिंस ऑफ नहीं करना है। अपनी हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए इसे वीक में 2 बार आप ज़रूर यूज़ करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और एज अ कंडीशनर तो आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ये बालों को काला भी रखता है। गाइज, इस बार शैम्पू करें तो इससे हेयर रिंस करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।